स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ज्वालामुखी माउंट अरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस महाद्वीप में स्थित है? ए यूरोप, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी एशिया। आंसर बी अंटार्कटिका। एक्सप्लेनेशन, अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट अरेबस से हाल ही में हर दिन $6,000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से चर्चा में आ गया है। माउंट अरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ए पैट कमिंस, बी मिचेल स्टॉक, सी युजवेंद्र चहल, डी जसप्रीत बुमराह। आंसर सी युजवेंद्र चहल। एक्सप्लेनेशन, राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अपने 200वें विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया। चहल ने 2014 और 2021 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला था। चहल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन कर लिया था। अगला प्रश्न, हाल ही में शंघाई ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? ए डेनियल रिकियाडो, बी लुइस हैमिल्टन, सी फर्नांडो अलोंसो, डी मैक्स वेरस्टैपेन। आंसर डी मैक्स वेरस्टैपेन। एक्सप्लेनेशन, 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने शंघाई ग्रैंड प्री 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस सीजन में 5 रेसों में यह उनकी 4थी जीत और पिछले सीजन में पिछले 27 रेसों में उनकी 23वीं जीत थी। अगली ग्रैंड प्री रेस 5 मई को मियामी यूएसए में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न, एसीसी पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? ए प्राची यादव, बी अनामिका सिंह, सी रागिनी विश्वास, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए प्राची यादव। एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश की शीर्ष पैरा कैनो प्राची यादव ने टोक्यो जापान में आयोजित एसीसी पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ग्वालियर की रहने वाली प्राची ने महिला KL2 और महिला VL2 कैटेगरी में मेडल जीता। प्राची को साल 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 21 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 23 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। आंसर सी 23 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, हर साल 23 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1995 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। ये साहित्य और लेखकों के लिए एक वैश्विक उत्सव है। विश्व पुस्तक दिवस 2024 का थीम रीड योर वे है। भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी कितनी है? ए 20%, बी 25%, सी 30%, डी 40%। आंसर सी 30%। एक्सप्लेनेशन, अब भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 30% है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के अनुसार पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 30% हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और टेलीकॉम जैसी चीनी औद्योगिक वस्तुओं पर भारत की बढ़ती निर्भरता को एक हालिया रिपोर्ट में उजागर किया गया है। चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे से चिंताएं बढ़ी हैं। इसका आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। अगला प्रश्न, आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी रविंद्र जडेजा, डी हार्दिक पंड्या। आंसर ए रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 1 जून से USA और वेस्ट इंडीज में शुरू होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। रोहित शर्मा अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे जबकि हार्दिक पंड्या को उप कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न, 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ए साइना नेहवाल, बी PV सिंधु, सी तन्वी लाड, डी नेहा पंडित। आंसर बी PV सिंधु। एक्सप्लेनेशन, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु महिला वर्ग में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में भारत की चुनौती का नेतृत्व करेगी, जबकि सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी एक स्टार जोड़ी बनाते हैं और पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगला प्रश्न, किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिल गई है? ए कांडला, बी मंगलौर, सी कोचीन, डी विजिंजम। आंसर डी विजिंजम। एक्सप्लेनेशन, केरल में अदानी के विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए केंद्र से मंजूरी मिल गई है।
इससे भारत को विनिर्माण केंद्र बनने में मदद मिलेगी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां कार्गो को एक बड़े जहाज से कई छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है। भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो वर्तमान में कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग जैसे विदेशी बंदरगाहों पर संसाधित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? ए उज्बेकिस्तान, बी ओमान, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी कजाकिस्तान। आंसर बी ओमान। एक्सप्लेनेशन, भारत ओमान के साथ आने वाले महीनों में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। भारत और ओमान के बीच सालाना व्यापार 13 अरब डॉलर से भी कम है। ओमान और ईरान के बीच होर्मुज की संकीर्ण जल्द मरुमध्य का प्रवेश द्वार है जो वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 15 मई, डी 1 जून। आंसर बी 1 मई। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है दुनिया भर में श्रमिकों के सम्मान में हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ये दिन समाज और देश के विकास में श्रमिकों और श्रमिक वर्ग के योगदान को पहचानने में मदद करता है। अगला प्रश्न, चुनाव के संदर्भ में SLU क्या है? ए सिंबल लोडिंग यूनिट, बी सुरक्षा लॉकिंग यूनिट, सी निगरानी लॉगिंग इकाई, डी सिंगल लॉग यूनिट। आंसर ए सिंबल लोडिंग यूनिट। एक्सप्लेनेशन, SLU किसी विशेष सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का नाम व चुनाव चिन्ह VVPAT या पेपर ट्रेल मशीनों पर अपलोड करती है। अब भारत का चुनाव आयोग ECI सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिंबल लोडिंग यूनिट्स SLU को 45 दिन तक EVM के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखेगा। चुनाव आयोग सिंबल लोडिंग यूनिट्स SLU को संभालने और संग्रहित करने के लिए 1 मई 2024 को एक नया प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? ए निहाल सरीन, बी रमेश बाबू प्रज्ञानंद, सी वैशाली रमेश बाबू, डी कोनेरू हम्पी। आंसर सी वैशाली रमेश बाबू। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लो ब्रिगेट ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर के लिए जरूरी 2500 ELO अंक हासिल किए थे। अगला प्रश्न, भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी इसरो, सी DRDO, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर CDRDO। एक्सप्लेनेशन, भारत ने ओडिशा के बालासोर तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉरपीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, किसे पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए कपिल देव, बी MS धोनी, सी सचिन तेंदुलकर, डी युवराज सिंह। आंसर डी युवराज सिंह। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारत के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। युवराज ने 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक ओवर में 6 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहीं उद्घाटन वर्ल्ड कप जीतने में भारत की तरफ से अहम रोल अदा किया था। युवराज सिंह के साथ क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपए के नोटों की क्या स्थिति है? ए इनका आदान प्रदान केवल विशिष्ट स्थानों पर ही किया जा सकता है, बी उनका उपयोग केवल विशिष्ट लेन देन के लिए किया जा सकता है, सी वे अभी भी वैध मुद्रा है, डी वे अब वैध मुद्रा नहीं है। आंसर सी वे अभी भी वैध मुद्रा है। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने पर एक अपडेट प्रदान किया है। निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जनता अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपए के बैंक नोट देश के किसी भी डाकघर से किसी भी RBI जारी कार्यालय में भेजने में सक्षम है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? ए IIT पटना, बी IIT वाराणसी, सी IIT मुंबई, डी IIT दिल्ली। आंसर ए IIT पटना।
एक्सप्लेनेशन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना IIT पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है। IIT पटना के पास 20 वर्षों के लिए इस टेक्नोलॉजी के कमर्शियल उपयोग पर कॉपीराइट होगा। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 24 अप्रैल, बी 25 अप्रैल, सी 29 अप्रैल, डी 30 अप्रैल। आंसर डी 30 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस योजना के तहत 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, भारत और किस सरकार ने घरेलू युद्धपोतों को बिजली देने के लिए भारत में विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौते की संभावना पर चर्चा कर रही है? ए फ्रांस, बी यूके, सी यूएसए, डी रूस। आंसर बी यूके। एक्सप्लेनेशन, घरेलू युद्धपोतों को बिजली देने के लिए भारत सरकार और यूके सरकार भारत में विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौते की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में डीजल इंजन, गैस टरबाइन या भाप टरबाइन भारतीय युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत प्रणोदन क्षमता 6000 टन से अधिक के विस्थापन वाले बड़े युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करने के लिए है। अगला प्रश्न, भारत में मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बन गया है? ए ICICI बैंक, बी कोटक महिंद्रा बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी HDFC बैंक। आंसर सी एक्सिस बैंक। एक्सप्लेनेशन, मार्केट कैप के हिसाब से एक्सिस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया। कोटक का बाजार मूल्य घटकर 3.3 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक्सिस बैंक का बढ़कर 3.4 लाख करोड़ रुपए हो गया। HDFC बैंक, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक SBI भारत के शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान बैंक हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसकी वर्षगांठ मनाता है? ए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, बी विलियम शेक्सपियर की जयंती, सी विंडहोक घोषणा, डी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। आंसर सी विंडहोक घोषणा। एक्सप्लेनेशन, प्रेस की स्वतंत्रता और आजादी का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विंडहोक घोषणा स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों का एक बयान है, जिसे 1991 में विंडहोक नामीबिया में एक स्वतंत्र और बहुलवादी अफ्रीकी प्रेस को बढ़ावा देने पर यूनेस्को सेमिनार के दौरान रखा गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? ए केन्या, बी जिम्बाब्वे, सी ईरान, डी दक्षिण अफ्रीका। आंसर बी जिम्बाब्वे। एक्सप्लेनेशन, जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया गया है। साल 2009 के बाद ये छठा मौका है जब देश में नई मुद्रा लॉन्च की गई है। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी हरारे है। अगला प्रश्न, पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? ए भविष्य पोर्टल, बी विद संपूर्ण पोर्टल, सी प्रेरणा पोर्टल, डी लक्ष्य पोर्टल। आंसर ए भविष्य पोर्टल। एक्सप्लेनेशन, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया का एक एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे भविष्य पोर्टल के रूप में भी जाना जाता है। ये 5 बैंकों की पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं को एक ही विंडो में जोड़ता है। सेवानिवृत्त लोग इस पोर्टल के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन पर्चियों की जांच कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति की जांच कर सकते हैं, फॉर्म 16 जमा कर सकते हैं और भुगतान किए गए बकाया का विवरण देख सकते हैं। अगला प्रश्न, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? ए सेनेगल, बी घाना, सी दक्षिण अफ्रीका, डी नामीबिया। आंसर डी नामीबिया। एक्सप्लेनेशन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया बॉन के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता नामीबिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 2 मई, बी 3 मई, सी 4 मई, डी 5 मई। आंसर बी 3 मई। एक्सप्लेनेशन, हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 31वां संस्करण मनाया जा रहा है। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। भारत के पहले संविधान पाठ का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
ए पुणे, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी चेन्नई। आंसर ए पुणे। एक्सप्लेनेशन, भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया है। भारतीय सेना और पुनित बालन समूह ने संयुक्त रूप से संविधान पार्क विकसित किया है। पार्क का उद्घाटन दक्षिणी कमान के KGOCNC लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया है। उद्घाटन समारोह में पुनित बालन ग्रुप के अध्यक्ष पुनित बालन उपस्थित थे। ये संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं को एक श्रद्धांजलि है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई, डी 4 मई। आंसर सी 3 मई। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार हरित गृह के लिए सौर ऊर्जा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाती है। सौर ऊर्जा के महत्व को बताने के लिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। ये तारीख सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए याद की जाती है। देश में ऊर्जा की जरूरतों पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने सूर्योदय योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? ए 20%, बी 33%, सी 45%, डी 50%। आंसर बी 33%। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। नए नियम के अनुसार कार्यकारी समिति में 9 में से न्यूनतम 3 पद और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य के 6 में से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और KV विश्वनाथन की पीठ ने महिला वकीलों को आरक्षण देने का आदेश पारित किया। बार एसोसिएशन वकीलों का एक पेशेवर संघ है जो आमतौर पर एंग्लो अमेरिकी प्रकार के न्यायशास्त्र का पालन करने वाले देशों में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बड़ी है? ए 1.44%, बी 1.84%, सी 2.14%, डी 2.44%। आंसर डी 2.44%। एक्सप्लेनेशन, भारत की जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता मार्च 2023 में 237.27 गीगावाट से 2.44% बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 243.22 गीगावाट हो गई है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता में 10.79% की वृद्धि हुई है। ये 2022-23 में 172.01 गीगावाट से बढ़कर 2023-24 में 190.57 गीगावाट GW हो गया है। अगला प्रश्न, पहला भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स किसके द्वारा 2025 की शुरुआत में वैश्विक बाजारों में पेश किया जाएगा? ए NVIDIA, बी माइक्रोन, सी क्वालकॉम, डी इंटेल। आंसर बी माइक्रोन। एक्सप्लेनेशन, माइक्रोन द्वारा पहला भारत निर्मित चिप्स 2025 की शुरुआत में वैश्विक बाजारों में पेश किया जाएगा। गुजरात के सानंद में बने अधिकांश चिप्स का निर्यात किया जाएगा, जिससे ये संभवतः वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगी। चिप्स का उपयोग डेटा सेंटर, स्मार्टफोन, नोटबुक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों के लिए किया जाएगा। मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऐश्वर्या राय बच्चन, बी दीपिका पादुकोण, सी करीना कपूर खान, डी प्रियंका चोपड़ा। आंसर सी करीना कपूर खान। एक्सप्लेनेशन, करीना कपूर खान को मई 2024 में यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता सहित बच्चों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले यूनिसेफ भारत के मिशन का समर्थन करेगी। अगला प्रश्न, 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कब और कहां होने वाला है? ए भारत में 5 से 22 सितंबर, बी बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर, सी इंग्लैंड में 3 से 20 अक्टूबर तक, डी ऑस्ट्रेलिया में 1 से 18 नवंबर तक। आंसर बी बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन, 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाला है। कार्यक्रम की घोषणा ढाका में एक कार्यक्रम में की गई, जिसमें ICC के अधिकारियों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय और बांग्लादेश महिला टीमों के कप्तानों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आंसर बी 2 बार। एक्सप्लेनेशन,
भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। बोइंग का स्टारलाइनर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। 58 वर्षीय विलियम्स के साथ बुच विलमोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? A20, B21, C22, D23, आंसर D23। एक्सप्लेनेशन, निर्वाचन आयोग ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम IVP के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स IFES के सदस्य भी शामिल है। इसका उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव कार्य प्रणालियों से परिचित कराना है। अगला प्रश्न, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ए भारत, बी कनाडा, सी ब्राजील, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर ए भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोची केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र बैठक की मेजबानी करेगा। 46वीं ATCM और 26वीं CEP बैठकों में 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक एक ऐसा मंच है जहां अंटार्कटिक संधि सलाहकार पार्टिस्ट सदस्य देश और अन्य हितधारक अंटार्कटिका को प्रभावित करने वाले पर्यावरण, वैज्ञानिक और शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करते हैं।